51 शक्तिपीठों में से प्रधान शक्तिपीठ बताए जाने वाली मां चामुंडा का मंदिर मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित मां गायत्री तपोभूमि के सामने बना हुआ है। यह स्थान वह स्थान बताया जाता है जहां मां भगवती जगदम्बा के केश गिरे थे। इस मंदिर का वर्णन श्रीमद् भागवत में भी सुनने को मिलता है। बताते हैं कि सतयुग के इस मंदिर में श्री कृष्ण ने अजगर को मुक्ति देने के बाद मां चामुंडा के दर्शन किए थे। यह मंदिर शालिंडे ऋषि की तप स्थली भी बताई जाती है। कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ ने इस मंदिर में सिद्धि प्राप्त की थी। इस मंदिर में विराजमान मां चामुंडा नंद बाबा की कुल देवी बताई जाती है। कहते हैं कि नंद बाबा ने ग्वाल वालों के साथ मिलकर सरस्वती कुंड पर श्री कृष्ण का मुंडन लगाने करने के बाद इसी चामुंडा माँ की जात लगाई थी। नवरात्रि के दिनों में यह श्रद्धालु दर्शन करने के लिए दूर दराज से आते हैं। प्रत्येक रविवार को व नवरात्र की अष्टमी व नवमी के दिन यह श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है। अक्षय नवमी के देवोस्थान एकादशी पर्व पर भी यहाँ भारी मात्रा में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, क्योंकि इन दिनों लगने वाली मथुरा व तीनों वन की परिक्रमा में पड़ने वाले सभी मंदिर का महत्व बताया जाता है। खास बात यह है कि इस मंदिर में माँ चामुंडा की कोई भी प्रतिमा स्थापित नहीं है, बल्कि वह स्वयं उत्पन्न हुई है। आज नवमी का ये दिन है और भगवती शिवरात्रि का दिन है, ये नवदुर्गाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे भक्तों को? हमारे शरद ऋतु जब से प्रारंभ होती है, उसके बाद में कनाल दिखते हैं, उसके बाद में जब माँ बसाती है, उसके बाद में नवरात्रि शुरू होती है, इससे शैलपुत्री बोलते हैं, तब से ही शारदीय नवरात्रि शुरू होती है, इसको पार की नवरात्रि भी कहते हैं। आज नवरात्रि का समापन है, आज जो शिवरात्रि जी की पूजा हो रही है, आज के दिन हलवा पूड़ी चना इससे माँ का प्रसाद धराया जाता है और जोत करके और कन्हैया माँ को प्रसाद पवा करके अपना समापन करते हैं, बोलते हैं और शाम को जैसे जैसे अपने जो मंदिर हैं उनमें जाते हैं और माँ भगवती का जो स्थान है यहाँ पे सब लोग दर्शन करने आते हैं। हमने 9 दिन की जो पूजा अर्चना की है, माँ से अरदास लगाती हैं कि माँ हमको आगे भी ऐसे ही समय समय पर भक्ति में सहयोग आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे धार्मिक आगे धर्म बढ़े। और किसी बात करो जी, क्या नाम है आपका? ये नवरात्रि का आज नवमी का दिन है, आप चामुंडा मंदिर में आई पूजा सेवा करने के लिए, आपने ये नवमी किस तरीके से आपने पूजा सेवा की, क्या कहते हैं? भगवान के त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन जो महामाई चामुंडा देवी हैं उनका बड़ा विचित्र इतिहास है मथुरा में, क्योंकि महामाई के जो कृष्ण भगवान का मुंडन हुआ था वह यही हुआ था, उसके हिसाब से जो हमारे भक्त हैं मथुरा शहर के मथुरा जिले के सब महामाई के चरणों में आकर शीश नवाते हैं और महामाई से मनोकामना मांगते हैं और महामाई सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।